नमस्कार, इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 इंडियन गवर्नमेंट बैंक्स के बारे में। भारत के सबसे 10 बड़े जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, सरकारी बैंक है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में कंपनी नेम, मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और ब्रांचेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको किसी भी बैंक के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहला बैंक है SBI। SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,43,106 करोड़। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जितने कर्मचारी यहां काम करते हैं उनकी संख्या है 2,45,642। टोटल ब्रांचेस है SBI के 22,000 और इसका फाउंडिंग ईयर है 1955। SBI के बारे में एक फैक्ट आपको जान लेना चाहिए। इंपीरियल बैंक्स ऑफ इंडिया, जो कि बाद में RBI के द्वारा एक्वायर किया गया था, उसी को बाद में रिनेम करके SBI रखा गया। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और SBI यस बैंक में 30% का हिस्सेदारी रखता है और जियो पेमेंट बैंक में भी इसका 30% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का सबसे पुराने बैंक में से एक है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 58,384 करोड़। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 82,000 और टोटल ब्रांचेज हैं 8,520, 8,520 और टोटल फाउंडिंग ईयर है, इसका जो फाउंडिंग ईयर है वह है 1908। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा, गुजरात में। तीसरे नंबर का बैंक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का पूरा नाम कैनरा बैंक ही है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 41,661 करोड़ और इसका टोटल, इसमें जो टोटल एम्प्लॉइज है उनकी संख्या है 88,213, 88,213। टोटल ब्रांचेस है कैनरा बैंक के 9,773, 9,773 और इसका जो फाउंडिंग ईयर है वह है 1906, 1906। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। तो टॉप 3 में सबसे पहले SBI है, नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा और तीसरे नंबर का बैंक है कैनरा बैंक। इसके लिस्ट में उलटफेर हुआ है, वजह है कि कुछ बैंकों का मर्जर हुआ था। लॉस मेकिंग जो बैंक्स थे या फिर अदर उसके कुछ संभावनाएं थे जो कि बैंक के जुड़ने के साथ बढ़ सकते थे, इस वजह से लास्ट ईयर्स में जो बैंक है उसको मर्ज किया गया था। तीसरे नंबर का बैंक है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 38,593 करोड़। पंजाब नेशनल बैंक में 1,03,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। अगर एम्प्लॉय की संख्या देखेंगे तो SBI के बाद सबसे ज्यादा इसी में शो कर रहा है और इसके ब्रांचेज हैं 10,528, ये डोमेस्टिक ब्रांचेज हैं और इसका फाउंडिंग ईयर है 1894। आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, पंजाब नेशनल बैंक में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा था, इस वजह से इसका रैंकिंग भी थोड़ा सा पीछे हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह द्वारका, दिल्ली में है। नेक्स्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 34,591, 34,591 करोड़। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 23,579, 23,579 और टोटल ब्रांचेज हैं 3,400, 3,400 डोमेस्टिक ब्रांचेज हैं और इसका फंडिंग ईयर है 1937। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट बैंक है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 26,074, 26,074 करोड़। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं 78,202, 78,202 और टोटल ब्रांचेज है 9,100, ये टोटल डोमेस्टिक ब्रांचेज हैं और इसका फंडिंग ईयर है 1919। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है। नेक्स्ट बैंक है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 20,356 करोड़, 20,356 करोड़। टोटल 41,620 एम्प्लॉइज इसमें काम करते हैं, 41,620 और टोटल इसके ब्रांचेज है 5,744, 5,744। इसका फाउंडिंग ईयर है इंडियन बैंक का 1907। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। इलाहाबाद बैंक जो था उसको इसमें मर्ज किया गया, उसके बाद ये इंडियन बैंक बना। इंडियन बैंक वैसे काफी पॉपुलर बैंक है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 19,758 करोड़। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है इसमें 51,459, 51,459। ये सारा डाटा 2020 से लेकर के 2022 तक था। सारे कंपनी का डाटा अपडेट किया नहीं गया था, तो जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन मिला है ये विकिपीडिया से, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो बैंक ऑफिशियल वेबसाइट है, और भी अदर प्लेटफॉर्म से लिया गया, उसके बाद आपको यहाँ पर एकत्र करके बताया गया है और ये अभी तक के हिसाब से सबसे एक्यूरेट डाटा है। टोटल ब्रांचेज है बैंक ऑफ इंडिया में 5,084 और फाउंडिंग ईयर है 1906। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 16,320 करोड़, 16,320 करोड़ और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 32,335, 32,335। टोटल ब्रांचेज है 4,608, 4,608 ब्रांचेज है इसमें टोटल बैंक के और इसका फाउंडिंग ईयर है 1911। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। लास्ट बैंक है यूको बैंक। एक्चुअली इंडियन स्टॉक मार्केट में कुल 12 बैंक ही है जो कि लिस्टेड है।
टोटल 12 पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक अदर है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग अगर पब्लिक बैंक के बारे में बात करें, गवर्नमेंट बैंक के बारे में, तो उसका जो टॉप 10 है, टोटल टॉप 12 में से ही टॉप 10 है। बैंक के मर्जर के बाद बैंकों की संख्या कम हुई है। बैंक नेम है यूको बैंक, जो टॉप 10 में से 10वें नंबर पर है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14,203 करोड़, और इसका नंबर ऑफ इंप्लॉइज है इसमें 22,012। टोटल ब्रांचेस है 3078 और इसका फाउंडिंग ईयर है 1943। और यूको बैंक 10वें नंबर पर आता है। इस तरह से इस वीडियो में हमने सारे बैंकों के बारे में बात किया। अगर आपको किसी बैंक के ऊपर फैक्ट्स या फिर अदर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपका फीडबैक हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी से चैनल के वीडियोस में सुधार किए जा सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के साथ एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।